नमस्ते मामा जी, मेरी प्लेन मामा जी मुझे बताया था मैं आ जाता लेने, कौन से प्लेन में आप लोग? उस सिग्नल से इस सिग्नल तक प्लेन में आऊंगा। मैंने बोला ना सीधा सवाल करो तो मामा जी हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं। मामा जी इधर, मामा जी ये मेरा दोस्त है श्याम, श्याम ये मेरे मामा जी, नमस्ते कर बेटा। मामा जी ये जो घर देख रहे हैं आप ये इन्हीं का है, भाड़े का नहीं है। और ये जो है बब्बन, बब्बन ये मेरा क्लोज ड्राइवर है। ड्राइवर गाड़ी का खरीदी? जी वो जो गाड़ी जो है ना मेरी, वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी नहीं है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना वो कंपनी वालों ने वो गाड़ी मुझे दी है। बहुत बड़ी कंपनी है वो। जी बहुत बड़ी कंपनी है। आइए ना मामा जी अंदर आइए ना प्लीज। आइए ना मामा जी। मामा जी अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है ना श्याम। कौन? अब बैठे ना, ये लाल शर्ट वाला लंबे बाल वाला, इसकी बहन को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया और कभी भी। तू क्या उसका इलाज कर रहा है? मैंने क्या बोला था? मामा जी का सीधा क्वेश्चन करो तो उल्टा ही जवाब देता। पिछली बार उन्होंने जोक मारा तो मुझे खून की उल्टी हो गई थी। सही बोला मामा जी, अच्छा जोक है। ऐसा मैंने क्या पूछा जो हे इतना हंस रहे हो तुम लोग? आप सच में पूछ रहे हैं? हाँ मामा जी, आप जानते हैं इस घर में हम एक पल भी नहीं हंसते, हमेशा रोते ही रहते हैं। इसकी जो बहन है ना वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, कभी भी उनका है। और आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों? अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए। अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये चंद दिनों की मेहमान है, जब भी किसी बुजुर्ग को देखती है उसके पैरों पर डाई मार देती है, ये बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी। मगर इसको देख के लगता नहीं कोई खाती पीती पंजाबन है ना। किसी ने मुझे बुलाया? हाँ तो मैं काम करो, तुम चाय बनाओ। और सुनो तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला? ये मेरे मामा हैं। मैं यहां सिर्फ ये पूछने आया हूं तुम शादी के मामले में गंभीर हो या नहीं। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ठीक है तो मैं सब इंतजाम करता हूं, अगर किसी को कुछ कहना है तो यही कहो। क्यों ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जैसा चाहते वैसा ही हूं। तो भाई बात पक्की, तो एक काम करिए आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, हम तैयार हैं। हम कौन? हम सब तैयार हैं। अच्छा तुम खुश हो ना? जी ठीक है तो मैं चलता हूं। अरे चाय तो पीकर जाइए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हम मामू चाय पियेंगे? मामू तो अब सीधे मेरी शादी की कॉकटेल पार्टी में आएंगे सिर्फ शैंपेन पीने। तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाह तो सब ठीक हो जाएगा। ओए छोड़ा छोड़ा मामू, चलिए मामू बाबा बाहर का रास्ता दिखाता। अच्छा मामू तेरी बहन। मामू जी तू क्या कर रहा है? ओ मैक डार्लिंग, आइए आइए आइए, हटो हटो हटो, आइए 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 सर, आइए मैं आपको अपनी कंपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ सर। टैक्सी में जाऊंगा मैं। सर बाहर टैक्सी मत जाइए, बाहर ट्रैफिक मिलेगा आपको। सर सर मुझे मत सिखा, मैं आना जानता हूँ तो जाना भी जानता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। सर, मुझे तो मदद की जरूरत है। अरे नहीं चाहिए। अरे मुझे तो चाहिए। जरूरत बोल दिया ना। सोच लीजिए सर, मुझे तो चाहिए सर। क्यों खोपड़ी खा रहा भूत रही है? बैठ जाओ बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, घर पे कोई नहीं। नो प्रॉब्लम। अरे तुम जाओगी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना। क्यों? अरे नहीं नहीं घर पे ताला लटका हुआ है, समझो बात को। मेरे पास चाबी है। चलिए कूलर मटकाते हुए। अरे सुनो सुनो सुनो, ए सुनो तो मेरी बात तो सुनो, सुनो दूसरा ताला लटका हुआ है, दूसरा ताला लटका हुआ है, सुनो तो। समझ में कुछ नहीं यार, फिर भी ना। बाय। चाबी तुम्हारे पास नहीं तो ताला कैसे खोलोगी? और अंदर कोई है ही नहीं तो ऊपर जाके क्या करोगी? बाबा वापस कब आओगी? What? ये मरने जा रही है, आत्महत्या करने जा रही है, वापस नहीं आएगी, तेरे को क्या लेने देना? This guy is such a pylon man. ए सुनो 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 मेरी बात तो सुनो यार। Shut up! ऊपर क्यों नहीं खड़े हो जाता हमारे? चलो सीढ़ियों से चलते, चलो। पाइलॉन आज तो बकरा कर गया। क्या हुआ? देखा? मैंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्या देखना है बेटा? क्या वो गाड़ी निकाल ले तो मैं तुझे देख लूंगा। चल बेटा चल 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 चल। हे हेलो हाय,
आज तुम छुट्टी पर हो क्या? हाँ, छुट्टी पर ही हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, मेरी फ्लाइट टाइमिंग्स में चेंजेस हो गए हैं, अब मैं जल्दी घर आ सकती हूँ। हाँ हाँ, इससे दूसरे को तो मुसीबत हो गई ना। वो कैसे? इससे हमारे टाइमिंग्स भी बदल गए ना। कौन से टाइमिंग्स? ये पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हुआ है और ये उन्हें अच्छा लगता है। हो सकता है, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसको प्रॉब्लम हो रही है? मेरे एक दोस्त को। क्यों? पुराने टाइमिंग्स उसके लिए बिल्कुल सही थे। अब एयरलाइंस वाले हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते ना। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ, पहले भी हुआ था जब मैं फ्लाइट से उतर रही थी। अगर जरूरत है तो मैं। क्या? नहीं नहीं, जाने दो जाने दो। सैम बोलो ना। तुम गलत तो नहीं समझोगी अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं? क्या तुम गलत समझोगी? नहीं समझूंगी। सच? हाँ। मेरे पापा टांग खींचने में बड़े उस्ताद थे। क्या वो गुंडे थे? नहीं 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 नहीं, वो चप्पी मालिश वाले थे, टांग को खींचकर दर्द को दूर भगा देते थे। अब वो जादू मेरी उंगलियों में भी है, कहे तो कर दूं मालिश? कुछ भी करो साहब, ये दर्द दूर कर दो। तुम अंदर जाके कपड़े बदल के ले जाओ, मैं अभी तेल लेके आता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? कहो तो उठा लूं? क्या गया? डर गया। डर गया? इम्पॉसिबल। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। दर्द इतना आसानी से कैसे चला गया? गया। थैंक गॉड। इसीलिए मुझे ये कमर दर्द पसंद नहीं है। कौन? दीप्ति। एयरपोर्ट वाली। Excuse me, एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके डार्लिंग, बाय बाय बाय। सर सर, गेट इधर। ओफो, मेरी याददाश्त। सिंगापुर फ्लाइट आ गई है। अल्लाह, इन लोगों के आने जाने का कोई टाइम ही नहीं। सिंगापुर वाली आ रही है कि बैंकॉक वाली टेक ऑफ हो रही, पूरा एयरपोर्ट ही हटा देता हूँ। समझाने को किसकी समझ नहीं आती बात। देखो वो अभी भी इसी जगह खड़ा है। सैम, तुम कब आए? मैं तो कब से यहीं पर हूँ। बहुत भूख लगी है, मैं देखती हूँ खाने में क्या है। गड़बड़ है यार, तू क्या क्या कर रहा है यार, और भी काम धंधा नहीं जा। मैक, मैंने कितनी बार कहा इस घर में मटन नहीं लाना। मटन? मीट माय फ्रेंड सैम। हेलो। इसे तो मैं जानती हूँ, फिर से क्यों मिलवा रहे हो? क्योंकि यही मांसाहारी है, यही मटन खाता है, मैं थक गया हूं इसको बोल बोल के। तू मटन क्यों खाता है? ठीक है, फेंक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी बात तो पूरे घर में फैल चुकी है, अब मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगी। तो कोई बात नहीं जनन, बाहर चलिए खाना खाते। वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया, खाना खाने के लिए बाहर ही जाना, खास करके ऐसे खतरनाक हालात में। खतरनाक? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा था कि मटन की बास आ रही है ना यहाँ पर, एंड इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए बहुत खराब है, और नाक का कैंसर भी हो सकता है। सच्ची सच्ची बुच्ची बुच्ची कुच्ची, मेरी कसम उसकी कसम तेरी मां की कसम मेरी बाप की कसम। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छे जोक सुनाता है। लेकिन ये जो सारे जोक सुना रहा है ना, ये मैंने इसको सुना है। लेकिन कौन सा जोक कब बोलना, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 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 चलो, तुम्हें पता नहीं टेबल मिलना इतना मुश्किल है, चलो कम। तो ठीक है, मैं शर्ट बदल देता हूँ, इसमें वैसे ही बू आ रही है। सुन, तू पहले खाना खाने जाना, कपड़े बाद में बदलना। तू ये समझे ना, अभी तू जाने से तुझे पता नहीं अंदर। तू मेरे को मत समझा, समझे ना, मेरे को मालूम है मेरी बात। मैं कपड़े बदल रहा, तू अंदर आएगा क्या? ओह, फटाफट बदल, वरना तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या है? क्या ये लेडीज बैग किसका है? मेरा है। तुम्हारा? वो क्या है ना कि मेरी पसंद कुछ अलग तरह की है, इसमें मोबाइल, वॉच, शेविंग क्रीम, ब्लश, ब्रश सब कुछ है। तुम तैयार नहीं हो रही हो क्या? किस लिए? डिनर के लिए। मैं सोच रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इतनी खूबसूरत शाम है, मैक के साथ डिनर पे जाना तुम्हें पसंद नहीं? मैं बाहर का खाना खा खा के तंग आ चुकी हूँ। तुम यहाँ कैसे खा सकती हो? क्यों? अब मेरा मतलब, मैं होटल की बात कर रहा हूँ, एक अच्छी होटल में, चाय पानी की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक अच्छे से होटल में जाना, वहाँ मोमबत्तियों की रोशनी में खाना खाना, मधुर संगीत सुनना, कितना प्यारा है।
अब तो तुम जाओगी ना? नहीं, मैं यही खाऊंगी। खाएगी तेरी माँ। मेरा मतलब है कि इस गंदे माहौल में तुम कैसे खा सकती हो? तुम्हें बाहर जाना होगा। अगर दीप्ति नहीं जाना चाहती है तो उसको फोर्स मत करो। इस घर में वही होगा जो दीप्ति चाहती है। अगर वो रेस्टोरेंट में जाना चाहती है तो जाएंगे, नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएंगे। मेरे दोस्त की मंगेतर के हाथ कैसे बिहेव किया जाता है तुम्हें मालूम नहीं? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को होटल जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा, क्या कर लेगा? दोस्त की कीमत तो तुझे बाद में पता। अरे जानता हूँ तेरी कीमत दो कौड़ी के। तू चाहे जो भी बोल, लेकिन तू इस घर में खाना नहीं खाएगा, तू बाहर जाएगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चल जाए। सब लोग यही पका रहे? हाँ, हम तीनों यही ठूसेंगे। मतलब तुम तीन, सब लोग नहीं। सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो सिर्फ तीन हैं यहाँ पर। अबे क्या है, तुम मार सकती हो मुझे? देखो, बाद में मुझे कोई अलग अलग खाना बनाने को बोलेगा ना तो नहीं होगा। एक मिनट, आज वही खाना बनेगा जो दीप्ति जी चाहेंगी। चीज खाएगी तू? जी हाँ। बाद में मुझे किसी ने कुछ और बनाने को बोला तो? अरे और कौन है यहाँ? उसे मालूम है। तो मुझे क्यों नहीं मालूम? तेरी प्रॉब्लम क्या है? देखो, अभी मुझमें और ताकत नहीं है। मैं जो अरे अभी मैं तो नहीं, मैं खाना बना के चला जाता हूँ। मेरे को ये छोड़ के वो कुछ कहना चाहते थे? मैं बताता हूँ, वो हम सबके लिए खाना नहीं बना सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ नहीं खा सकते, बाहर जाओ। छोड़ो, हम बाहर ही चल के खाते हैं। हाँ, बाहर चल के ही खा लेते हैं। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नहीं, इधर उस कमरे में। क्यों? वो रूम ज्यादा अच्छा है। शाम, तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, ले तो मैं कसम से। मैं भी वही कह रहा हूँ। बाहर दीप्ति, अंदर दीप्ति। क्या? मेरे अंदर भी एक और दीप्ति है। जाना डार्लिंग, शांत हो जाओ तुम। मेरा तो दिमाग खाली हो गया। मैं तू क्या रहा क्या? क्या हुआ? छी! तू अभी तक नहीं समझा क्या? मैं सब समझ गया। मैं छोड़ो से, छोड़ो। क्या हो रहा है? गले के इशारे कर रहा है। यूं कर रहा है। तुम बताओ, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम सुनना चाहती हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। अंदर मेरी पर्सनल चीजें। अबे कौन सी पर्सनल चीजें तेरी अंदर? अब हेयर ब्रश, टूथब्रश, टॉवल, बहुत सारी चीजें हैं मेरी। ये सारी चीजें ये देखेगी तू मर जाएगा। अरे उतना ही नहीं, तब रसीद बांध कर मेरी 6 चड्डियां लटकी हुई है, उनमें से 2 में छेद है। मैं नहीं देखूंगी। मुझे भरोसा नहीं, तुमने देख लिया तो? साले तेरी चड्डी पे लाल किलर बने हुए हैं। छोड़ो मैं, तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं दूसरी कमरे में चली जाती हूँ। ओके। अरे अब तो सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो शुक्र कर, मुझे जेल जाने डर लगता है, नहीं तो मैं तुझे यही खत्म कर देता। अरे मैं बताया था, तू क्या बता रहा था? क्या हो रहा है? सही मोमेंट पे मेन स्विच ऑफ गियर में बज गया। मैं इसको बता रहा था कि ऑफिस में मेन स्विच निकाल दिया उन्होंने और मुझे झटका लगते लगते मैं बच गया। तुम कब आई? अभी अभी आई, यही मैं सोच रही थी यहाँ क्या हो रहा है। अब तो तू बच गया, हर बार नहीं बचेगा। गुड बाय। कहाँ जा रहा है तू? मुझे कुछ और दिन जीना है। आजकल दिल का दौरा उम्र देखकर नहीं आता, कभी भी बढ़ सकता है। क्या हो रहा है ये? देखो ना, ये जा रहा है हमको छोड़ के, इसको कहो ना रुकने के लिए। क्यों जा रहे हो? अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी जल्दी आने वाली थी। अब मुझे ऑफिस जाके सारा काम खुद करना पड़ेगा, मुझे अकेली छोड़कर। मैं हूं ना, मैं जल्दी आऊंगा, फिर खाना वाना खाएंगे और उसके बाद चीज पकोड़ा रेडी है। चीज पकोड़ा? किसके लिए? चीज पकोड़ा ये शाम के लिए। मेरे लिए? हाँ, मेरे लिए। ये चार चार बार चीज खाता है, सुबह रात दिन शाम जब देखो चीज ही खाता रहता है। अबे मगरमच्छ की औलाद भैंस हो जाएगा। कोई ताजुब नहीं, इसलिए दिखता भी पकोड़े जैसा है। ठीक है, फेंक दो। आज से जो स्वीटी चाहती है वही बनेगा। फेंक दो। तुम्हें पता है मुझे पकौड़े पसंद नहीं है। सारे बर्तन धो डालो और सबके लिए कड़ी चावल बनाओ। ओह गॉड। Click on
on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.